स्पॉन्सर्ड बाय एंजल लाइफ हेयर केयर एंड ट्रांसप्लांट। गंजेपन से छुटकारा पाने का रामबाण इलाज। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार का एक अंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के अध्यक्ष हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ गुरविंदर सिंह छाबड़ा। हम लोग लगातार पंजाबी भाषा, पंजाबी कला, संस्कृति के लिए हमारी अकादमी काम कर रही है। उसी कड़ी में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च की है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी लिखने पर उस ऐप का आइकॉन आएगा और उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो आप हमारे यहाँ सीधे जुड़ जाते हैं पंजाबी सरल शिक्षण अभियान में। उसके लिए उन्होंने एक मिस कॉल का नंबर भी जारी किया है, उस मिस कॉल में आप नंबर देते हैं, मिस कॉल करते हैं तो भी आप हमारे पंजाबी सरल शिक्षण अभियान से जुड़ जाते हैं। नंबर एक चीज़, इसका उद्घाटन जल्द ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं। दूसरी चीज, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मन में एक इच्छा है कि जो सिखों का इतिहास है वो आम जन तक जाए, हर बच्चों तक पहुँचे, आम जन तक पहुँचे। उसके लिए एक उत्तर प्रदेश स्तर की एक परीक्षा हम लोग बहुत जल्दी आयोजित करने वाले हैं, जो शासन स्तर पर हम लोग शासन स्तर से मदद लेंगे और उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में उस परीक्षा को हम लोग कराने वाले हैं। ये संभवतः सितंबर और अगस्त के महीने में हम लोग कराएंगे इस परीक्षा को, जिसमें लाखों विद्यार्थी, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग जिनको पंजाबी इतिहास में इंटरेस्ट होगा या जो लोग जानना चाहते होंगे उनके लिए परीक्षा होगी। उसमें बाध्य नहीं कि सिख और पंजाबी बैठे, किसी भी जात धर्म संप्रदाय के लोग पंजाबी इतिहास को जाने। पंजाबी इतिहास जो तक कुर्बानियों वाला इतिहास है, इतना सेवा वाला इतिहास है, वो जन जन तक पहुँचे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। तीसरी चीज, पंजाबी भाषा को तीसरी भाषा का दर्जा उत्तर प्रदेश में दिया जाए, इसकी भी हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। चौथी चीज, गुरुद्वारा एक्ट हम लोग लागू करने की मांग कर रहे हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में गुरुद्वारा एक्ट लागू है, उसी तरीके में यहाँ पे 31 लोगों की एक टीम बन रही है। उस टीम के माध्यम से उन सब जगह का गुरुद्वारा एक्ट स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हम लोग अपना एक रिपोर्ट बना के सरकार को देंगे, उसके बाद सरकार को फैसला करना है कि वो एक्ट लागू होता है कि नहीं। ये जो टीम स्टडी करेगी, इसके लिए कितने दिन का वक्त रखा गया और कब तक पूरा होने का ये अनुमान है कि शासन को अध्ययन करके और शासन की रिपोर्ट? लगभग हम लोग 6 महीने इसमें ले रहे हैं, क्योंकि धार्मिक मामला भी जुड़ेगा तो एक एक चीज़ माइनूटली पढ़ ली जाए, उस पर हर चीज़ पर डिस्कस हो जाए। जब पूरा हम लोग फाइनल कर लेंगे तो फिर हम लोग सरकार में देंगे। पंजाबी अकेडमी में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री इस ऐप का उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद पाया है तो रिकॉर्डिंग भी रहेगी, रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी बाद में आप पढ़ और सीख सकते हैं। एक तो ये कार्यक्रम है, दूसरा पंजाबी भाषा उत्तर रहे हैं और गुरुद्वारा एक्ट, उसके लिए भी हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो अभी स्टडी कर रही है गुरुद्वारा एक्ट जो अलग अलग प्रदेशों में लागू है, प्रदेश में भी लागू हो, उसके लिए हम लोग कार्य करें। आपको कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें लगभग अभी 1.5-2 खामियां या प्लस माइनस हो उसको देखेंगे, फिर पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हम लोग सरकार में देंगे, उसके बाद सरकार उसको लागू करती है तो उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा।